आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स में और मेरा नाम है नवदीप सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया फ़ोन जो कि एक बजट फ़ोन है। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ वो स्पाइस ने अभी एक दो दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च किया है। दोस्तों ये स्पाइस का जो नया फोन अभी मार्केट में आया है राट्स F302 जो एक बहुत ही बढ़िया फोन है और 4G वोल्टी फोन है और ये 1 ईयर रिप्लेसमेंट में आता है और नीचे की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है 4G वॉलेट फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इसमें और नोगट 7 एंड्रॉयड वर्जन है। और इसके फीचर की बात करें तो इसमें जो स्क्रीन है वो 5 इंच डिस्प्ले है और फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद फ्लैश है और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और साथ में फ्लैश लाइट भी है और इसके अंदर 7 नोगेट वर्जन है और जो इसमें मेमोरी है वो है 1 GB रैम और 8 GB रोम और आप इसको 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो और ये 4G और 3G सभी को सपोर्ट करता है, 2G को भी। और 64-bit क्वायर कोड प्रोसेसर है इसमें, GPS, वाईफाई और ब्लूटूथ है। और बैटरी की बात करें तो इसमें जो बैटरी है वो है 2400 mAh की और ये फ़ोन बहुत बढ़िया है और इसमें ड्यूल सिम एंड जी सेंसर के साथ में आता है ये और जो ये मार्केट में आपको ये 5500 rupees में ये मिल जाता है। और दोस्तों अब हम फ़ोन को ओपन बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करते हैं। मैं इस फोन को पहले निकाल के देख चुका हूँ दोस्तों इसलिए बॉक्स पहले ही ओपन है, मैं फोन आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम इस देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरी आती है। दोस्तों इसके अंदर है सबसे पहले हेडफोन, हेडफोन की जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है और सेकंड में इसके अंदर बैटरी, बैटरी है जो यह 2400 mAh की बैटरी है और 3.8 वोल्ट की है और ये लिथेनियम बैटरी है और बढ़िया बैटरी है और एक तरफ स्पाइस की ये ब्रांडिंग का ऊपर लोगो लगा हुआ है। और इसके बाद ये जो अडाप्टर है दोस्तों, अडाप्टर ठीक ठाक सा है, इसके ऊपर ये स्पाइस का वो लिखा हुआ है स्पाइस और एक तरफ ये कंपनी का कुछ ब्रांडिंग सी लगी हुई है जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होगा और इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर है और उसके बाद में इसमें ये कुछ मैनुअल है, आप इसको खोल के भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक वारंटी कार्ड है 1 ईयर का और ये कुछ फ़ोन के फीचर लिखे हुए हैं मैनुअल के अंदर। और इसके अंदर है एक डाटा केबल, ये माइक्रो USB है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसके ऊपर भी एक स्पाइस का स्टिकर लगा हुआ है। इसके अलावा और क्या है बॉक्स में, अरे वाह, और बॉक्स में दोस्तों इसके साथ एक बैक कवर भी आता है जो सिलिकॉन का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये खराब नहीं होगा, ये देखिए। और तो इसमें कुछ नहीं है, खाली बॉक्स है, बॉक्स को रखते हैं हम साइड पे। अब बात करते हैं फोन की, तो दोस्तों ये है फोन स्पाइस का और इसके ऊपर ये ग्लास गार्ड लगा हुआ आता है, ग्लास गार्ड नहीं है शायद पेपर गार्ड लगा हुआ है। और पीछे की तरफ ये जो इतना पार्ट है इसका, ये है दोस्तों मेटल का और ऊपर नीचे दोनों तरफ इसके प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है और ये बीच में है फिंगरप्रिंट सेंसर, ऊपर की तरफ है ये फ्लैश और इधर है कैमरा और बिल्कुल ऊपर की तरफ है 3.5 mm का जैक और नीचे की तरफ माइक्रो USB और माइक और स्पीकर इसके ऊपर की तरफ है और साइड पे ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन। और आगे की बात करें यार, आगे की तरफ है ये 2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है और ये साथ में फ्लैश है, 2 मेगापिक्सल ये शायद, एक बार मैं देख लूँ कि कन्फ्यूजन ना हो जाए, हाँ 2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है और साथ में ये फ्लैश है। और अंदर इसको ओपन करके देखते हैं,
दोस्तों ये अंदर से है, यहाँ पे हम सिम डाल सकते हैं। ये टीम सिम नंबर 2 स्लोट है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड। आप इसके अंदर ये माइक्रो सिम डाल सकते हो, 2 माइक्रो सिम और साथ में एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो 32 GB तक का। अब इसके अंदर हम डालते हैं बैटरी। दोस्तों ये बैटरी मैं इसके अंदर डालकर सिम नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ इसको ऑन करके देखेंगे कैसा है फोन चलने में। फोन को हमने कर लिया अब ऑन। दोस्तों जो फोन है ये बिल्कुल लाइट वेट है और जो इसकी बैक है बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, इसीलिए मैं इसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि फोन बहुत बजट में है, 4G फोन है। अभी अभी आया मार्केट में, आपको मिल जाएगा एक दो दिन में, सभी शॉप के ऊपर आ जाएगा। दोस्तों ये फोन ऑन हो गया है। फोन ऑन होने के बाद इसकी टच देखते हैं कैसी है। टच बहुत बढ़िया है इसकी और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 7 वर्जन है नोगेट। और इसमें हम देखते हैं अब कैमरा कैसा है। दोस्तों कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ऑटो फोकस में है कैमरा। और आगे का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दोस्तों आगे कैमरा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और भी दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, अब बात करते हैं हम इसकी। दोस्तों इसके इनबिल्ड फेसबुक और ये व्हाट्सएप प्ले स्टोर ये सब कुछ इनबिल्ड है इसके अंदर, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐप लॉक है और बूम प्लेयर है और इसके अंदर एक एक्सीलेटर है जो कि ऑटोमेटिक फाइल को क्लीन करता है फोन को। ये फोन क्लीन हो गया। एग्जेंडर है इसके अंदर और काफी कुछ है, क्लॉक है इसमें, क्लॉक तो वैसे भी सभी में ही होता है लेकिन इसके ऊपर ही ऑप्शन दी हुई है। और डाउनलोड सब कुछ इसके अंदर हो जाता है और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और बहुत बढ़िया है इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है। और आपको ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों से। और अगर आप इस फ़ोन के बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। दोस्तों फोन बहुत अच्छा है, बजट में है, ये आपको 5500 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर करना आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करना, आपके लिए मैं ऐसे गैजेट लेके आता रहूँगा। और इसमें और भी बहुत सारे मॉडल आ गए हैं, वो भी कीपैड फ़ोन है, तो जैसे ही मेरे पास आएंगे तो मैं इसका भी रिव्यू करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।